दिवाली कैसे बीती आपकी? बढ़िया ना? तो चलो अब कुछ पढ़ाई के बारे में देखते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने सीखे थे स्वर, आज हम सीखने वाले हैं व्यंजन। तो चलो व्यंजन। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गणेश, घ से घर, अंग। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जग, झ से झरना, इया। ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा। त से तंबू, थ से थर्मस, द से दवाई, ध से धनुष, न से नर, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन, श से शलगम, श से षटभुज, स से सब्जी, ह से हिरण, क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी। तो चलो व्यंजनों के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। चलो हिंदी वर्णमाला चित्रावली किताब में व्यंजनों के बारे में और क्या क्या जानकारी दी है देखते हैं। पहला व्यंजन है क। क से कमल, क से कबूतर, क से कमीज, क से कटहल, क से कछुआ। अगला व्यंजन है ख। ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खड़ाऊ, ख से खरबूजा, ख से खरल। अगला व्यंजन है ग। ग से गधा, ग से गमला, ग से गगरी, ग से गज, ग से गधा, ग से गदा। अगला व्यंजन है घ। घ से घर, घ से घड़ी, घ से घन, घन यानी के क्लाउड, घ से घड़ा, घ से घड़ियाल। अगला व्यंजन है अंग। ये है अंग। अंग से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। अंग शब्दों के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से बिंदी के तौर पर इसको अनुस्वार भी बोलते हैं। बिंदी के तौर पर, अनुस्वार के तौर पर इस्तेमाल होता है अंग। ओके, तो आगे देखते हैं च। अगला व्यंजन है च। च से चटाई, च से चम्मच, च से चप्पल, च से चक्की, च से चरखा। च के बाद है छ। छ से छतरी। कितना इजी है, कितना सिंपल है। छ से छतरी, छ से छलनी, छ से छड़, छ से छड़ी, छ से छत। छ के बाद आता है ज। ज से होता है जहाज, ज से जवान, ज से जलेबी, स्वीट जलेबी, ज से जग, ज से जड़, जड़ यानी के रूट, पेड़ के रूट। ओके, ज के बाद है झ।
झ से झरोखा। झरोखा यानी के जी घर में जहाँ से रोशनी आती है वो होता है झरोखा। झ से झरना, झरना यानी कि वाटरफॉल। अगला व्यंजन है इय। इय होता है इस तरह से। इय से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। इय अंग की तरह ही शब्दों के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से शब्दों के बीच में य इस्तेमाल होता है। अब आप ये ऊपर जो अनुस्वार देख रहे हैं वो है य पंचम। पंचम में जो ये अनुस्वार है उसको बोलते हैं य। ठीक है, अगला व्यंजन है ट। ट से टमटम। ट से टमाटर। ट से टक। बटन शब्द में भी ट का इस्तेमाल होता है। ट से टहनी। अगला शब्द व्यंजन है ठ। ठ से ठग। ठग यानी के चोर। ठ से ठप्पा। ठ से ठहर। ठ से ठठेरा। ठ से ठहाका। ठहाका यानी हंसना। आगे देखते हैं, ठ के बाद आता है ड। ड से डफ। ड से डमरू। ड से डफली। ड से डलिया। ड से डगर। डगर यानी कि पाथ, रास्ता। ड के बाद है अड़। अड़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है लेकिन अड़ शब्दों के बीच में इस्तेमाल होता है। तो चलो देखते हैं अड़ कौन से शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। अड़ भेड़। पेड़। पहाड़। ठीक है, आगे देखते हैं ढ। ढ से ढक्कन। ढ से ढलान। ओके, आगे देखते हैं अगला व्यंजन है अढ़। ढ की तरह ही है लेकिन उसके नीचे बिंदी दी जाती है। अढ़। अढ़ कढ़ाई। कढ़ाई में अढ़ का इस्तेमाल किया जाता है। गढ़। चढ़ाना। पढ़ना बढ़ई। आगे देखते हैं अढ़। अगला व्यंजन है ण। ण बाण। रावण। पण। तृण। इन शब्दों में ण का इस्तेमाल किया जाता है। न से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ण शब्दों के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले व्यंजन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।